हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ गांव और कई लोगों से मिलना है, और कुछ खेतों में जो बीज उज पड़ते हैं उसका भी काम है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। हम लोग एंजल जा रहे हैं। ये तो झूठ है। एंजल को देख के लग रहा कहीं जा रही है। एंजल तो ऐसे ही रहती है। अब मेरी बारी। अच्छा मम्मा ड्राइव करेंगी। बाय पापा। बाय मम्मा। कितना बाय करोगी, कहाँ तक? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम्हें तो कह रही हो रोना आ रहा है। नहीं आ रहा। और अभी ना मैं इलाहाबाद आ गई हूँ, और पहले मैं जाऊँगी अपनी जेठानी जी से मिलने, और चलिए उनके घर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है। ये तो बड़े प्यारे प्यारे खिलौने हैं भाई। हर से एक छोटा वो ये पैरेट है। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? पीकॉक। और ये यहाँ पे भोपो। हाँ हाँ, दोनों ना है। अच्छा, ये पीकॉक है। हाँ बस। और ये पंखा है। हाँ, और क्या दिया है मुंह में? अरे एप्पल है, मुंह को मां निकालो। नहीं निकाल रहे हैं, एप्पल है और नहीं निकाल रहे हैं। अब बैठाओ, दादी से बोलो कि आप बैठिए ऊपर। नहीं मम्मी तो ऐसे बैठती है ना। आओ ऊपर बैठ जाओ। और दूर हो जाना तब खींचे। और दूर हो जा तब खींच लिए। खींच ली। ठीक से बैठो, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से खरीदे बताओ? अरे माँ, कहाँ से? जहाँ फूल मिलता है। बजरंगबली। बजरंगबली बंधवा गए थे हम। कहाँ गए थे? बंधवा। और ये कौन है? ये कौन है? ये नाम क्या है इनका? अरे इनका क्या नाम है? इनका मम्मा का क्या नाम है? संध्या। संध्या। और दादी का क्या नाम है? बुद्धी। दादी को बुद्धी नाम है? नाम नहीं, कोई बुलाता नहीं। दादी तो प्यारी सी दादी है ना। नहीं, बुद्धी है। बुद्धी है। अभी
अभी मैं अपनी जेठानी जी से मिल के और अब मैं जा रही हूँ गांव। गांव के यहाँ मैं जाऊँगी दीदी के यहाँ मतलब अपनी नंद के यहाँ, क्योंकि जीजा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनसे उनको भी देखते हुए और उनसे भी मिल लूँ और फिर हम लोग जाएँगे अपने गाँव। और ये न मैं आ गई दीदी के घर, और चलिए चलते हैं अंदर अभी। क्या देखा क्या? ए मीनू, मीनू, ए मीनू, क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? क्या देख रही हो बताओ? क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? और ये मैं आ गई अपने घर। बहुत लेट हो गए थे हम, रात के 11 बज गए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये ना मेरा जामुन का पेड़ है, ये बाउंड्री के अंदर है, तो इसलिए ऐसे गांव के बच्चे तो नहीं तो बाहर होता तो तोड़ लेते खा लेते, बट ये बाउंड्री के अंदर है और हम लोग रहते नहीं हैं तो बाउंड्री लॉक लगा रहता है। तो है तो चाबी उनके यहाँ है, बट उनके यहाँ भी बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे कैसे आएंगे? तो इन्हें इतना भरा हुआ है कि पूरा नीचे पूरा बिछा हुआ है, इतनी गिरी हुई है। और नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत जामुन लगे हैं, अभी मैं तोड़वाऊँगी इसको। और क्या कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ जामुन लेके जाएंगे। और जामुन मतलब ये भाई बहुत महंगी है, लखनऊ में तो बहुत महंगी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जामुन का क्या रेट है, किसको किसको जामुन खाना है। तोड़ तोड़ के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी जामुन ना, ये वाली जामुन माँ जी मंगाती हैं कि जैसे गांव में है वैसी जामुन ले आओ। जब मैं वहाँ लखनऊ में खरीदती हूँ तो बोलती हैं कि जैसी जामुन गांव में है वैसी ले आओ। और ये आप देखिए, इतनी बड़ी सी है और इसके अंदर जो है ना बीज बहुत छोटा सा है, मतलब कि बहुत अच्छा है। देखें, बहुत अच्छी जामुन है भाई, बहुत मीठी। ये जामुन खाने ना बहुत पैरेट आए हैं बहुत, और सुबह सुबह जामुन खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। जब हम लोग गांव में रहते थे ना, कोई भी आता था इस मौसम में तो उसे चाय वे देने के बाद हम लोग जामुन देते थे, तो सभी लोग बहुत तारीफ करते थे, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात इस जामुन की यह है ना कि ये गले में नहीं लगता। हम ये अभी ना मैं अपने घर की ये क्लीनिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। ये जो चाचा काम करते हैं मेरे यहाँ जो चाचा, तो वो झाड़ू लगा देते हैं, बट उनकी भी एज इतनी हो गई है तो झाला वाला तो नहीं झाड़ते हैं। तो एक बार हम लोग आते हैं, जब भी आते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने पर जब भी आते हैं तो एक बार अच्छे से साफ कर देते हैं, तो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है और बंद पड़ा रहता है मकान, तो एक बार अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे मैं अभी निकल जाऊँगी, 2-3 घंटे में ही निकल जाऊँगी, बस खाना वाना बनाऊँगी और बना के खा पी के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे मम्मी से भी मिलना है और यहाँ जिठानी लोग जो रहती हैं सबसे मिलना है, तो सबसे मिलते हुए फिर मैं निकल लूँगी। तो पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ। और चाचा गए हुए हैं जो काम करते हैं, जो चाचा वो गए हुए हैं कुछ लोगों को ले आने, हो सकता है कोई मिल जाए तो जामुन तोड़वा लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे डंडे से तोड़ेंगे नीचे गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा, तो अगर कोई चढ़ के तोड़ देगा तो इस तरह से ख़राब नहीं होगा।
ये ना चाची हैं तो ये चना था तो चने का इस तरह से दाल बना दे रही हूँ। चना मैं ऐसे ले जाऊँगी ना तो ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह दाल रहेगा तो इसको जब ये गेहूँ पिसवाया जाता है तो बेसन बन जाएगा तो उसके लड्डू बन जाते हैं और बहुत सारे यूज हो जाते हैं। तो बोलें कि मैं इसकी दाल बना दे रही हूँ, फिर ले जाना चनवा चाची हम लेते आओ। हम कहा ना ये ढोरा लग जाए तो खराब हो जाए। नहीं ठीक। हाँ हाँ तो बात है। ये ना मैं चाचा के बच्चों के लिए मतलब चार इनके पोते हैं और दो पोतियां हैं, तो उन सभी के लिए मैं कपड़े लाई थी तो ये वही लेके जा रहे हैं। और मतलब एंजल के इस तरह से हैं कपड़े सबके हैं, तो इनके क्या है कि पोते पोतियों को आ जाता है तो हम कह लेते चलूँ बच्चे पहन लेते हैं, तो वही सब ये रख रहे हैं और ले जाएंगे। आराम से कप्तान करब
जिसको जिसको जामुन पसंद हो वो सभी लोग आ जाएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर से बजाइए, जिससे मेरी जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर से देखिएगा, मैं अपने घर का होम टूर, मम्मी का होम टूर ये सब कराऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।